Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 29 July of 2020 and it's a Wednesday day today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। कल हमने पहली आंसर राइटिंग चालू की। पहले आंसर राइटिंग में क्या कहते हैं, किसी ने ज़्यादा लोग ने क्या कहते हैं सेंड नहीं किए अपने अपने आंसर। तो रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन रोज मिलेगा, आपको उनके आंसर देने और बेस्ट आंसर क्या कहते हैं हमारे चैनल में क्या कहते हैं पोस्ट कर दिए जाएंगे। वहाँ से आप एक आइडियल आंसर ढूंढ सकते हैं और उसे अपने क्या कहते हैं प्रिपरेशन के लिए एक प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आज के एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पर है। पंपा रिवर कहाँ पर है ये बताना है कि पंपा रिवर जो है वो कहाँ पे है, और उसके बैंक में कौन सा टेंपल बहुत फेमस टेंपल है इसके बैंक्स पे आपको बताना है, उस टेंपल का नाम बताना है, और ये रिवर है कहाँ पे ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कितनी टाइगर रिजर्व्स हैं? इंडिया में कितनी टाइगर रिजर्व्स हैं? चौथा क्वेश्चन आता है, वाई आई एम हिंदू बुक के ऑथर कौन है? वाई आई एम हिंदू बुक के एक है उसके क्या कहते हैं ऑथर कौन है? ये चार क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इनके आंसर्स हमें अच्छे लगेगा कि हर कोई कमेंट करेगा। तो चलिए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, चाइना से डिसएंगेजमेंट एट मोस्ट लोकेलिटीज अलॉन्ग एलएसी इज कम्प्लीट। क्या कहते हैं कि चाइना ने कहा है कि उसकी डिसएंगेजमेंट था, जो स्टैंड ऑफ था उसने कई लोकेलिटी से पूरी तरह से हटा लिया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे हैं, जब पैंगोंग लेक में कई जगह है क्या कहते हैं वहाँ पे भी अभी लोग क्या कहते हैं चाइनीज़ ट्रूप बचे हैं, अभी भी कहते हैं उनका डिसएंगेजमेंट चल रहा है इंडिया चाइना का। तो उसके बारे में ये न्यूज़ बताई गई है, इसमें कहा गया, चाइना ऑन ट्यूजडे सेड बॉर्डर ट्रूप्स हैड डिसएंगेज इन मोस्ट लोकेलिटीज अलॉन्ग द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। मोस्ट जितने कुछ ट्रूप्स हटा लिए गए, कुछ जगहों पर सिर्फ बचे, ऐसा उनका कहना था। चलिए आज हम लोग फिर से एलएसी देख लेते हैं अलग से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेंगोंग टिशू लेक, पेंगोंग टिशू लेक जो है वो कहते हैं 135 किलोमीटर लंबी लेक है और इसका 45 किलोमीटर स्ट्रेच इंडिया के कंट्रोल में और 90 किलोमीटर चाइना कंट्रोल में। ये 33 जोन्स लाइन के द्वारा बनी थी। एक सॉल्ट वाटर लेक भी है। इसका सिग्निफिकेंस एक ही है कि चुसुल जाने पर ये पड़ती है, और क्या कहते हैं चुसुली जगह है जहाँ से चाइना के ट्रूप इंडिया में इंडियन टेरिटरी में घुसते हैं, इसका यही सिग्निफिकेंस है। इंडिया और चाइना की बाउंड्री 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है, जिसे सन हेनरी मैकमोहन के नाम पे हेनरी द मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है, सन हेनरी मैकमोहन के नाम पे। क्या कहते हैं ये इसके इसको कई बार रिजॉल्व करने की बात की गई। क्या कहते हैं ये 1957 में जो क्या कहते हैं अक्साई चीन जब कहते चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, उसके बाद 1962 वॉर हुआ, उसके बाद ये एलएसी बना दी गई, क्योंकि कोई अगर मिलिट्री एक्सपेंडिशन ना हो कि उधर से कोई एक मिलिट्री कहते इधर अटैक ना करे, वहाँ पे एलएसी पे शांति बनी रहे, इसलिए वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया गया था। एक लाइन है मिलिट्री हेडलाइन जहाँ पर दोनों साइड की आर्मी रहती लेकिन अटैक नहीं करते, उनमें कुछ एग्रीमेंट भी पास हुए थे उसके बाद, तो उसके बाद इसे कंट्रोल कर लिया गया था इशू को, लेकिन उतनी तरह से पूरी तरह से इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाया। 1976 में कई बार बातें हुई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। 1988 में राजीव गांधी चाइना गए, उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात की लेकिन कोई बॉर्डर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाया। 1993 में एग्रीमेंट पास हुआ पीस और ट्रैंक्विलिटी का, फिर 1996 में एग्रीमेंट पास हुआ, 2003 में दोनों तरफ से क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स मिले एक एक, और क्या कहते हैं बातें हुई बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर। 2009 में 17 राउंड की टॉक हुई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। इस वक्त रिजेंटली एनएसए के जज जीत डोवाल है, उनको ये स्पेशल एनवॉय टॉक के लिए अपॉइंट किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, सेंटर अनेबल टू पे स्टेट जीएसटी ड्यूज की। सेंटर ऑफिशियल्स का कहना है कि सेंटर क्या कहते हैं नहीं पे कर सकता स्टेट के जो जीएसटी ड्यूज है, जो बिल्स बकाया है स्टेट के, वो सेंटर पूरी तरह से नहीं अभी पे कर पाएगा, अभी उसे वक्त चाहिए उसके लिए। इसमें वही बात की गई, इसमें कहा गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अजय भूषण पांडे, उनका कहना है कि उन्होंने जो पिछले साल के 2019-20 के जो बिल्स थे स्टेट के, उनको बिल को पास कर दिया है, लेकिन अभी जो बाकी जो इस वक्त रिसेंटली जो इस
इस साल के जो बिल्स हैं उनको अभी पास नहीं किया गया। इसमें कहा गया, द गवर्नमेंट इज नो पोजिशन टू पे द जीएसटी शेयर्स ऑफ स्टेट एज पर द करेंट रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला। ये जो इस वक्त करेंट रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला है उसके उस पर कर अभी क्या कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पे नहीं कर सकती जीएसटी के जो ड्यूज है स्टेट्स के, उसे अभी नहीं पे कर सकती, ऐसा उनका कहना है। इसमें ये भी कहा गया है न्यूज़ में कि द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मंडे सेड द सेंटर हैड रिलीज द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 13,806 करोड़ ऑफ जीएसटी कंपनसेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अभी 2019-20 का बिल पास किया, वो क्या कहते हैं, पे किया गया है टैक्सेस 13,806 करोड़ जीएसटी का। अभी क्या कहते हैं, इस साल का भी बाकी है, तो इस साल का भी सेंटर ने कहा कि अभी नहीं पे कर सकते जब तक ये जो इस वक्त रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला चल रहा है उसके उस पर हम अभी नहीं पे कर सकते। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं जीएसटी को, अलग से हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए जीएसटी को हम लोग देखते हैं। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स लेवी जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, क्या कहते हैं, उसके जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर बट इज लिमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को इसका टैक्स जीएसटी जो होता है वो बिजनेस मैन देते हैं, लेकिन पैसा कंज्यूमर्स द्वारा लिया जाता है। होता क्या है, जैसे किसी कोई प्रोड्यूसर है, उसने होलसेल मार्केट वाले को दिया, फिर उसने रिटेलर को दिया, रिटेलर से फिर कंज्यूमर लेता है। तो कहते हैं जैसे 200 का आइटम है तो इन्होंने 10% टैक्स लगाया तो कितने का हो गया, 220 का हो गया। फिर ये क्या कहते हैं, रिटेलर ने भी 10% टैक्स लगाया तो ये 242 रुपये का हो गया। फिर उसके बाद बेचा तो ये क्या कहते हैं, 42 रुपये तो एक्स्ट्रा हो ही गया। तो हर पॉइंट पे एक वो अपना टैक्स ले ही लेते हैं, इसलिए ये कहते हैं काफ़ी महंगा पड़ जाता है लोगों को, और प्राइस जो होता है ओरिजिनल प्राइस उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं देख लेते हैं हम लोग। मेन फीचर ऑफ जीएसटी, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, ये सप्लाई साइड पे एप्लीकेबल होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई आइटम होता है उसके ऊपर होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन की, जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन होता है कि कहाँ पे जाना है उसके हिसाब से भी टैक्स लगता है। ड्यूअल जीएसटी भी लगता है कि दो बार जीएसटी सेंटर और स्टेट दोनों लगता है, सेंट्रल जीएसटी और क्या कहते हैं स्टेट जीएसटी। जीएसटी रेट शुड बी म्यूचुअली डिसाइडेड कि जो सेंट्रल जीएसटी होता है स्टेट जीएसटी होता है उनके बीच में एक रिलेशन होनी चाहिए, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट एग्रीड होनी चाहिए दोनों को, तभी ये उस पर टैक्स बढ़ते या कम होते हैं। मल्टीपल रेट होते हैं, जैसे जीएसटी वॉज डिवाइड एट 4 रेट्स, जीएसटी को 4 रेट पर अप्लाई किया गया था, 5%, 12%, 16%, 28%। कई आइटम थे उनमें कुछ और आइटम में कुछ और लगता था, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम जीएसटी रेट्स लगता था। इसके एडवांटेज क्या है फॉर द गवर्नमेंट, क्या है, ये एक अनफिल्ड यूनिफाइड कॉमन मार्केट बनाता है, एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट बनाता है जहाँ पे मेक इन इंडिया कंपेन को प्रमोट भी करता है। स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन की, एक स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन हो पाता है। इंक्रीज टैक्स कॉम्प्लियंस, ये टैक्स कॉम्प्लियंस होता है उसको बढ़ाता है। ये पूरी इकोनॉमी के लिए क्या हेल्पफुल है, ये पूरी इकोनॉमी फॉर ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, ये सर्टेनिटी लाता है, ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी, करप्शन को कम करेगा। कि जब पहले बहुत सारे टैक्स थे तो अलग अलग लोग बचा लेते थे, जैसे पहले 6 टैक्स थे तो उनमें से 2 ही देते थे और कहते थे 4 भूल गए, अगर कभी पूछा जाए तो भूल गए कि अभी भर देंगे, अगले साल भर देंगे, तो ऐसे बहाना करके भी बचे जाते थे। लेकिन इस बार अब जब से जीएसटी हुआ तब एक टैक्स होने के कारण काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस आए, बूस्ट सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट किया है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए क्या हेल्पफुल है, ये टैक्स रिजम जो होता है फ्यूर एग्जम्पशन के साथ पे कर सकते हैं। इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स की, बिजनेस करने के लिए आसानी हो गई है। मल्टीप्लिसिटी टेस्ट, जो टैक्सेस थे उसको एक में कर दिया गया है, जो मल्टीपल टैक्स दिए जाते थे। एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, जो डबल टैक्सेशन लिया जाता था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। मोर एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्स, बहुत अच्छी तरह से न्यूट्रलाइजेशन किया गया टैक्स को। सिंप्लीफाइड एंड क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स आराम से पहुंच सके, कोई कंपटीशन ना दिखा सके, तो इसके लिए भी। कंज्यूमर्स के लिए क्या कैसे हेल्पफुल है कि ट्रांसपेरेंट प्राइसेस, अब प्राइसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है कि हम जान सकते हैं कि कितना ओरिजिनल प्राइस है और कितना क्या कहते हैं रिटेलर सर्विस सप्लायर उस पर लगा रहे हैं। प्राइस रिडक्शन, प्राइस भी रिड्यूस हुआ है। पॉवर्टी रिडक्शन की, बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि जैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है और उसके कारण फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़े, तो ये पॉवर्टी को भी कम किया है। स्टेट्स के लिए क्या हेल्प, एक्सपेंशन ऑफ द टैक्स बेस,
कि उसमें टैक्स बेस का जो एक्सपेंशन था उसको एक्सपेंड किया है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी आया इसके कारण, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड भी हुआ स्टेट इसके कारण। एक क्या कहते हैं, स्टेट एक्सेस द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जिसके एक GST के कारण एक पावर आया टैक्स सर्विसेज में, और क्या कहते हैं, एक स्टेट के पास एक बूस्ट फैक्टर आ चुका है GST के कारण। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली एक न्यूज़ आती है, एट 2967 टाइगर इंडियाज़ कैपेसिटी एट पीक। इस वक्त कहा जा रहा है कि इंडिया की कैपेसिटी टाइगर्स की सबसे ज़्यादा है। अ डिटेल सर्वे रिलीज ऑन ट्यूजडे रिवील दैट नियरली अ थर्ड ऑफ इंडियाज टाइगर्स आर लिविंग आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स। कि ऐसा माना जा रहा था नियरली थर्ड ऑफ इंडियाज टाइगर, कि थर्ड ऑफ इंडियाज टाइगर जो है वो टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं, ऐसे इसमें माना गया है। इसमें कहा गया है नियरली 17 ऑफ द 50 रिजर्व आर अप्रोचिंग द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी एट सस्टेनिंग देयर पॉपुलेशन। कि जो पीक होता है कैपेसिटी का उसमें वो आ रहा है कई रिजर्व्स में, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं उसमें, इसलिए कहा गया कि उनकी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए दिक्कतें हो रही हैं। इसमें ये भी कहा गया इंडिया होस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर, इंडिया होस्ट करता है 70% जो वर्ल्ड टाइगर है वो क्या कहते हैं इंडिया में होते हैं। 70% काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात भी है कि इतने टाइगर हमारे यहाँ, एक टाइगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और खुशी बात भी है कि कोई जानवर जितने हम उसे प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं इंडिया को। एट 2967 एक्सपर्ट से इंडिया में स्लोली भी अप्रोचिंग इट्स पीक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टाइगर्स, की नियरली कहते हैं पीक आ जाएगा इन टाइगर्स का, टाइगर्स पॉपुलेशन का इंडिया में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि टाइगर रिजर्व को एक्सपेंड किया जाए या और टाइगर रिजर्व बनाई जाए। चलिए हम लोग टाइगर सेंसस रिपोर्ट देख लेते हैं अलग से। टाइगर सेंसस रिपोर्ट कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी फोर्थ साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया 2018 में ऑन द ओकेजन ऑफ ग्लोबल टाइगर डे 2019 को किया गया था। ये इसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग द टाइगर काउंट फॉर ईयर्स अहेड ऑफ द डेडलाइन 2020। कहते जो डबलिंग ऑफ टाइगर्स था, डबलिंग ऑफ टाइगर्स काउंट था, उसको डेडलाइन जो थी 2022 उसको अभी ही कम्प्लीट कर लिया गया है। इसकी ज़रूरत क्या है, नीड फॉर टाइगर कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है। टाइगर जो होते हैं वो टॉप ऑफ द फूड चेन होते हैं, तो इसलिए उन्हें अम्ब्रेला स्पीशीज भी कहा जाता है। कि उसके कारण जो अलग और स्पीशीज जो खाते हैं वो लोग, उसके कारण नए जनरेशन होता है और ये साइकिल जो होती है फूड साइकिल वो चलती रहती है। द टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज इंक्लूड हैबिटेट असेसमेंट, प्री एस्टिमेशन रिफ्लेक्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स। कि टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसके इसमें देखे जा सकते हैं, जो हैबिटेट असेसमेंट है, प्री एस्टिमेशन। ऐसा माना जाता है मोर देन 80% वर्ल्ड टाइगर एंड इन इंडिया इज क्रूशियल टू कीप ट्रैक ऑफ देयर नंबर्स। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है टाइगर की वो इंडिया में पाई जाती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम। अगली न्यूज़ आती है, इन्वोक NSE इन एबडक्शन मर्डर केस सीज। जो यूपी के CM है आदित्य योगी नाथ, उन्होंने कहा कि NSE लगाना चाहिए जो अभी केस हुए कानपुर देहात में, कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मार के और क्या कहते हैं उसके घर वालों से पैसा मांगा और फिरौती भी मांगी और लेकिन उसको फिर मार भी दिया। तो ये केस है उसके मर्डर केस में क्या कहते हैं कहा गया कि उस आदमी के ऊपर NSE लगाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एसएस में कहा गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं NSE अलग से। NSE एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। क्या कहते हैं ये इन क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं वीडियो पॉज करके बताएं कि जो पीरियड ऑफ डिटेंशन होता है वो उसको घटा के कितना कर दिया गया है। पीरियड ऑफ डिटेंशन जो होता है उसको रिसेंटली घटा के कितना कर दिया गया आपको बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। आर्टिकल 22 के हिसाब से, 22(3)(b) के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि कहते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, कि अलाउ करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजंस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के वजह से ये डिटेंशन हो लिया जा सकता है। आर्टिकल 22(4) के हिसाब से दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months अनलेस, कि 3 महीने से ज़्यादा किसी का डिटेंशन नहीं किया जा सकता इस हिसाब के। जो 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, उसके बाद से इसका पीरियड ऑफ डिटेंशन घटा के 3 महीने से घटा के 2 month कर दिया गया है। इसके क्या कहते हैं ये पावर भी देता है, ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि द NSE एम्पावर्स द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी पोजिशन टू नेशनल सिक्योरिटी। कि ये पावर करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कि वो किसी भी पर्सन को डिटेन कर सके जिससे वो
नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज ना कर सके। पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट क्या होता है? पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट होता है द मैक्सिमम पीरियड फॉर वन विच बी डिटेन इज 12 मंथ, कि किसी को डिटेन 12 महीने के लिए मैक्सिमली किया जा सकता है। नो बेसिक राइट्स टू पीपल डिटेन अंडर NSA, कि कोई इंसान अगर NSA के अंदर डिटेन किया जाता है तो उसे उसके पास कोई बेसिक राइट्स नहीं होती। सेक्शन 56 और 76 है CRPC का, उसमें कहा गया कि अ पर्सन हैज़ टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ कोर्ट विद इन 24 आवर्स। अगर किसी को पकड़ा जाता है, NSA के उसमें भी पकड़ा जाता है, तो उसे कहते 24 घंटे के अंदर किसी कोर्ट के उसमें लाना होगा, सामने प्रोड्यूस करना होगा, ऐसे उसमें कहा गया। आर्टिकल 22(1) है, उस कहता है कि अरेस्टेड पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट, कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो किसी भी से भी कंसल्ट कर सकता है, कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर से बात कर सकता है, और क्या कहते हैं उसे उससे रोके नहीं जा सकता। NSA के अंदर अरेस्टेड पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू द एड ऑफ एनी लीगल प्रैक्टिस, यानी मैटर कनेक्टेड विद द प्रोसीडिंग बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड से मिलने से पहले वो किसी से नहीं मिल सकता, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर डीलिंग विद NSA केस, कि यही हिसाब है, क्या कहते हैं गवर्नमेंट इसी तरह NSA केसेस से डील करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है पंजाब मिसयूजिंग यूपा। द अपोजिशन पार्टीज इन पंजाब है एक्यूज द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ यूजिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कि जो अपोजिशन पार्टीज है उनका कहना है कि पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट वहाँ पे है, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को मिसयूज़ कर रही है, ऐसा उनका कहना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये यूपा होता क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कहते हैं ये पास किया था यूपा 1967 में पास किया गया था। इसके अंदर इफेक्टिव प्रिवेंशन और अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन इंडिया, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोकने के लिए इसे किया गया था। ये प्रोवाइड करता है एक एब्सोल्यूट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसके द्वारा सेंटर डीम कर सकता है किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल। ये ऑफिशियल गैजेट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। इसमें इट हैज़ डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट एज हाइस्ट पनिशमेंट, इसमें हाइस्ट पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है, उम्र कैद या फांसी। अंडर यूपा बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशन कैन बी चार्ज, कि इसके अंदर इंडियन और फॉरेन नेशन दोनों चार्ज किए जा सकते हैं। इसमें लगभग द इन्वेस्टिगेशन कैन फाइल अ चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज, कि 180 डेज के अंदर उन्हें एक चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। 2004 अमेंडमेंट के बाद इसमें टेररिस्ट एक्ट भी जोड़ दिया गया है टू बैन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उनको बैन करने के लिए इसे जोड़ा गया है। द एक्ट एम्पावर द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो NIA के डायरेक्टर जनरल होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वक्त डायरेक्टर जनरल कौन है, NIA के इस वक्त डायरेक्टर जनरल कौन है, आप कमेंट सेक्शन बताएं। NIA के डायरेक्टर जनरल कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। द एक्ट एम्पावर द ऑफिसर्स ऑफ द NIA, ये जो NIA के ऑफिसर होते हैं उनको भी एम्पावर करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है NIA अपोज सुधा भारद्वाज प्लीज, कि NIA ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुधा भारद्वाज की प्ली को अपोज किया है। इसमें इंपॉर्टेंट रहता है NIA, हम लोग कई बार NIA को देख चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि NIA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, NIA का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। एक्स बाग इंजीनियर जो है वो उसको चीट किया गया, एक ऑनलाइन फ्रॉडस्टर ने चीट किया है 5.54 लाख का। इसका न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट रहता है बार्क, हम लोग बार्क को अलग से देख लेते हैं। बाग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इंडिया की प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, जिसका हेड क्वार्टर ट्रॉम्बे बॉम्बे महाराष्ट्र में है। ये एक मल्टी डिसप्लिनरी रिसर्च सेंटर है, जिसमें जिसका एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। ये इंडिया के पहले फर्स्ट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है कल्पक, जो 800 मीटर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इधर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो थे उन्होंने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू किया था इंडिया में। उसके बाद डॉक्टर बाबा इस्टेब्लिश द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो उन्होंने ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को ऑर्गेनाइज किया, इस्टेब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने कई इंटेंसिव एफर्ट टू एक्सप्लॉयट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ नेशन, न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लॉयट किया कि जिससे नेशन की बेनिफिट हो सके। उसके बाद इसको डॉक्टर बाबा इस्टेब्लिश एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, ये AEET को इस्टेब्लिश किया गया जनवरी 1954 को। फिर उसके बाद ये मल्टीपल रिसर्च प्रोग्राम बन गया रिसेंशियल फॉर एम्बिशन न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। फिर AEET को लेटर बॉम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर
नाम दे दिया गया। पहले इसका नाम एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे था, लेकिन अब ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो चुका। इसके फंक्शंस क्या हैं कि टू सस्टेन पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल वे में कंडक्ट कराना, इट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च इन स्पेंट फ्यूल प्रोसेसिंग, जो स्पेंट फ्यूल प्रोसेसिंग उसको देखना, ये देखता है कि फोकस एरिया ऑफ एप्लीकेशन फॉर आइसोटोप्स इन इंडस्ट्री, जो आइसोटोप्स की इंडस्ट्री होती है उनके एप्लीकेशन को देखना कि मेडिसिन एग्रीकल्चर में उनका क्या है। ये भी देखता है कि नंबर ऑफ रिसर्च रिएक्टर अक्रॉस द कंट्री, कितने सारे रिसर्च रिएक्टर्स अक्रॉस द कंट्री चल। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये तो रहा डिगिंग डीपर कि GST कलेक्शन सेट टू सिंक, द सेंटर मस्ट फाइंड वेज टू कंपेट सेफ स्टेट्स की। जैसे हमने देखा कि अभी हमने पिछले न्यूज़ में देखा, शुरू शुरुआत में देखा था GST के न्यूज़ में कि स्टेट्स ने पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था 2019-20, उसका जो मार्च 2020 था उसको पे कर दिया, उसकी इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया। 13,806 करोड़ की जो इंस्टॉलमेंट है उसको पे कर दिया गया, और जो इस साल की इंस्टॉलमेंट है जो GST टैक्स ड्यूज है स्टेट्स के ऊपर, तो उसको अभी पे नहीं किया गया। उसके लिए कहा गया कि अभी भी एक्शन हमें लेना होगा, अभी रिवेन्यू को रिवैम करना होगा, ऐसा उनका कहना है। तो इस एडिटोरियल पूरा वही दिया GST के ऊपर कि जैसे GST कलेक्शन में बढ़ रहा है, तो लास्ट में ये भी कहा गया है इसमें कि बट विद द थर्ड फेसल ये ऑलमोस्ट ओवर, इट कुड हेल्प द सेंटर इन द स्टेट टू बैटल द वायरस मोर इफेक्टिवली। कि जैसे ही थर्ड जो फेसल लेयर का थर्ड ख़त्म हुआ है, इसके बाद कहते हैं इस वायरस से लड़ने के लिए और इफेक्टिवली हमें वर्क करना होगा, और कैश है डिस्पोज और मोस्ट सर्टेनली और क्लैरिटी के साथ ये कैश को डिस्पोज करना होगा। इस पूरे एडिटोरियल में GST के ऊपर दिया है। अगला एडिटोरियल है द कॉस्ट ऑफ हेस्ट। ये पूरा एडिटोरियल ड्रग्स जो क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर है कि जो हमने देखा है कि डू यू नॉट हार्म इज द ड्राइविंग प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग रेगुलेशन। जो डू नॉट हार्म जो होता है, डू नॉट हार्म वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल होता है ड्रग रेगुलेशन का, कहते हैं किसी को हार्म नहीं पहुंचे, उसी के हिसाब से देखा जाता है। जैसे हमने देखा है कि हाउएवर सार्स कोविड-19 मोबाइल मोस्टली नॉट लीदल किल्स अक्रॉस डेमोग्राफिक एज ग्रुप्स टू कन्फर्म सोफिस्टिकेटेड केयर सिस्टम। ये सोफिस्टिकेटेड केयर सिस्टम बना रहा है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही है, काफ़ी इन्फेक्शन फैला है, इसके बारे में पूरा इसमें बताया गया। इसमें ये भी कहा गया फॉर द ड्रग दैट होज हैव बीन प्रूवन टू बी सेफ फॉर ट्रीटिंग वन डिसीज मे स्किप अ फ्रेश लार्ज ह्यूमन ट्रायल और फेज 3 ट्रायल। के जो ड्रग हेल्पफुल होती है किसी भी डिसीज को लड़ने के लिए, तो उनके लिए ये फेज 3 ट्रायल को स्किप करा देना चाहिए, जिससे हम वैक्सीन जल्दी प्रोवाइड कर सकें पेशेंट्स को और जल्दी इलाज हो सके उनका, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर इसमें ये बताया गया है कि देयर हैव बीन इंसिडेंट दैट व्हेन डिजीज मॉनिटरिंग शो राइट दैट नॉट ऑफरिंग इवन अ हाफ बेक ड्रग, कि एक हाफ बेक ड्रग को भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एक अनएथिकल हो सकता है, क्योंकि हम डिजीज मोर्टेलिटी लोग मर रहे हैं डिजीज के कारण, तो हमें ड्रग प्रोवाइड उनको करना पड़ेगा इस एमरजेंसी में, तो फिर आप कोई भी फिर ड्रग यूज़ करवा देते हैं, तो इससे अच्छा है धीरे धीरे हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करके हम लोग ड्रग यूज़ करें। चलिए इसमें इम्पोर्टेंट आता है क्लिनिकल ट्रायल, वो हम लोग अलग से देख लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल को। क्लिनिकल ट्रायल, ये क्लिनिकल ट्रायल एक सिस्टमेटिक स्टडी है टू जनरेट फॉर डिस्कवरिंग वेरीफाई द क्लिनिकल ट्रायल फार्मास्यूटिकल प्रोफाइल्स, कि देखने के लिए कि वेरीफाई करने के लिए क्लिनिकल और फार्मोलॉजिकल प्रोफाइल्स को एक्सेस करने के लिए। ये और ये द ओनली वे है फॉर एस्टेब्लिशिंग द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ ड्रग। किसी भी एक सेफ्टी सेफली ड्रग है कि नहीं उसको रिसर्च करने के लिए हेल्पफुल होती है। इसके फेजेस को देखते हैं, फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। फेज 1 ये क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होता है, ये फर्स्ट इन मैन स्टडी। ये पहली बार होता है जब ड्रग इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक एडमिनिस्टर किया जाता है स्मॉल नंबर में, मिनिमम ऑफ 2 हेल्दी अनइन्फॉर्म वॉलेंटियर्स। तो हेल्दी अनइन्फॉर्म वॉलेंटियर्स के ऊपर ये किया जाता है और डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर। फेज 2 में एक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल होता है, 3 से 4 सेंटर्स में भेजा जाता है, इसके इफेक्ट को चेक किया जाता है, 10 से 12 इन्फॉर्म अनइन्फॉर्म पेशेंट्स के ऊपर ये वर्क किया जाता है। फेज 3 में एक कन्फर्मेटरी ट्रायल्स होते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है, और ऐसा माना जाता है इन दिस वे ग्रुप इज बिटवीन 100 नहीं 1000 to 3000 सब्जेक्ट्स के ऊपर पेशेंट्स के ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। फेज 4 जो होता है ट्रायल का वो होता है पोस्ट मेकिंग फेज, ये लास्ट फेज होता है, फेज ऑफ सर्वेलेंस आफ्टर द मेडिसिन मेड अवेलेबल टू डॉक्टर। इसके बाद मेडिसिन प्रोवाइड कर दी जाती है डॉक्टर को कि वो अब यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा
बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स के ऊपर ये अप्लाई किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है कि लास्ट फेज में उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आए। तो इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं किसी के ऊपर। ये फेज ट्रायल होते हैं, ये चार फेज ट्रायलों में कोई भी ड्रग कहते हैं प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर को यूज़ करने के लिए किसी भी डिसीज़ के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है RIC, अ ट्राइंगल दैट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। जो रशिया इंडिया चाइना का जो ट्राइंगल है वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे इसमें बताया गया इस ट्यूटोरियल में। वही RIC ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया। इसमें कहा गया इंडिया डिसाइडेड टू अटेंड द मीटिंग, जो मीटिंग होने वाली फॉरेन मिनिस्टर्स की रशिया इंडिया और चाइना की, उसको अटेंड के लिए इंडिया ने राजी कर दिया कि वो जाएगा उस मीटिंग में। उसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी बताएगा। RIC मीटिंग सीम्ड इन गॉर्जियस इन दिस सेटिंग, कि इस समय में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इकोनॉमिक बूस्ट दिलाने के लिए। इसमें ये भी कहा गया व्हेन द RIC डायलॉग कमेंस इन द अर्ली 2000, जब 2000 में ये हुआ था तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए किया गया था, एक यूनिपोलर वर्ल्ड, जैसे हम लोग यूनिक कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलावा हम एक साथ मिलकर भी वर्क कर सकते हैं। ये कोई नॉट एंटी US, कि ये कोई नॉट एंटी US नहीं था कि हम USA के खिलाफ वर्क कर रहे हैं, हम USA के उससे हमारी भी रिलेशनशिप सही रहे तो इसलिए वर्क करते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं वर्क करते। इंडिया रिलेशन विद द US सर्च इन कॉम्पस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि US के साथ इंडिया की रिलेशन काफ़ी अच्छा है। इसके सेक्टर में वही बताया गया है कि हमें और भी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना पड़ेगा, जैसे इंडियाज ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिफाई मिलिट्री एक्विजिशन अवे फ्रॉम अ नियर टोटल डिपेंडेंस ऑन रशिया, कि डिफेंस रिलेशनशिप हमें रशिया के साथ भी अच्छी करनी होगी, सिविल न्यूक्लियर डील भी करनी होगी और बार्गेनिंग डिफेंस रिलेशन, जिससे हमें जो हथियार हैं या कोई प्लेन है तो उससे आराम से मिल सके रशिया के साथ, और अच्छा प्रोवाइड हो सके, कहते हैं जल्दी प्रोवाइड हो सके। इस पूरे एडिटोर में वही बताया गया। इसमें कहा गया हैविंग नोटेड द रशिया इंडिया चाइना इंगेजमेंट स्टिल हैव सिग्निफिकेंस, कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ड्राइव की जाती है रशिया और चाइना और इन चार सेंट्रल नेशन होते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल हो सकता है। जो बायलेटरल आर्म्स है इंडिया के रशिया और चाइना ट्राइंगल, कहते हैं इसमें डिफेंस और एनर्जी पिलर जो होते हैं इंडिया के इंडिया पार्टनरशिप विद रशिया रिमेन स्ट्रॉन्ग, ये इंडिया के जो पार्टनरशिप है रशिया के साथ उसे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। द इम्पोर्टेंस विच हैज़ बीन लाइटेड बाय कोविड 19, जो कोविड 19 का काफ़ी डैमेज हो रहा है उसको भी हम लोग क्योर कर सकते हैं, ऐसे इसमें कहा गया है, पूरे एडिटोरियल में यही दिया है। चलिए अगली न्यूज़ है, पंपा रिवर सैंड रिमूवल नियरिंग एंड। कहते हैं जो पंपा रिवर है, जो सैंड रिमूवल वहाँ पे हो रहा था केरला में, पंपा रिवर केरला में है, उसको रोक दिया गया है। सैंड रिमूवल फ्रॉम द रिवर कोर्स ऑफ द बिगिन अमाउंट इज नियरिंग कम्प्लीशन, अब कम्प्लीशन होने वाला है वहाँ पे, उस ख़त्म होने वाला सैंड रिमूवल उस रिवर का, ऐसा इसमें कहा गया। हम लोग अलग से पंपा रिवर को देख लेते हैं। पंपा रिवर इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द केरला, ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला में आफ्टर पेरियार, पहली है पेरियार, फिर है भाराथापुज़ा, उसके बाद ये पंपा रिवर। ये पलुचोए हिल पे पड़ती है पिरामिड प्लेटू में, जो वेस्टर्न घाट्स में है केरला के, फिर ये फ्लो करती है वेस्ट बिफोर एम्प्टिंग इनटू वेम्बन लेक, जो वेम्बना लेक है उसमें वहाँ पे जाके पूरा गिरती है। जो सबरीमाला टेम्पल है काफ़ी फेमस टेम्पल है, उस वो डेडिकेटेड लॉर्ड अयप्पा के ऊपर, लॉर्ड अयप्पा जो थे उनके वो भगवान है, उसमें वहाँ पे मेन डीटी है वहाँ पे लॉर्ड अयप्पा। ये टेम्पल बैंक्स ऑफ रिवर पंपा के उस पर बना है बैंक में। द रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिणा भागीरथी और रिवर बेरिस, दक्षिणा भागीरथी भी कहा जाता है इसे और रिवर बेरिस भी कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा, दक्षिणा भारती भागीरथी और रिवर बेरिस इसे कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो। चलिए थैंक यू वेरी मच।